नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा आनंदपुर साहब पंजाब से। आज बात करेंगे प्रार्थना के ऊपर, कैसे प्रार्थना करें, प्रार्थना क्यों पूरी नहीं होती, कैसे पूरी हो। प्रार्थना तो हमेशा ही पूरी होती है, लेकिन अगर किसी को करनी ही नहीं आती तो परमात्मा भी उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करता। हमारे करने के ऊपर डिपेंड है किस प्रकार से करें। आपको बहुत गहराई बातें बताऊंगा आज, जो समझ के आप हर काम को अपने जीवन में कैसे सकारात्मक तरीके से करें वो आप समझ पाएंगे। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं जो परमात्मा से जुड़ते हैं। वो कहते हैं हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती, परमात्मा हमारी सुनता ही नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होता। हम श्वास भी लेते हैं तो हमारे श्वासों की आवाज़ भी परमात्मा सुनता है। वो हमारे से भी नज़दीक, हमारे भीतर है, वो हमारी हर बात को सुनता है, लेकिन हम खुद ही गड़बड़ियाँ कर देते हैं। तो गड़बड़ियाँ कहाँ होती हैं उनको समझ लें। देखिए, एक मान लीजिए कि एक गरीब आदमी है और वो प्रार्थना कर रहा है, हर रोज़ परमात्मा का नाम लेता है, सब कुछ करता है और अंत में परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी गरीबी दूर करो, मुझे पैसे का संकट है, मुझे ये संकट है, मुझे ये समस्या है, लड़की की शादी करनी है, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है पूरा मन लगा के, फिर भी उसकी सुनी नहीं जाती, ऐसा नहीं है। और वो कहता है, ऐसे लोग आपने आमतौर पे देखे होंगे, हम सब कुछ करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ हर रोज़ उल्टे पे उल्टा होता जाता है, सीधा कुछ होता ही नहीं। उसका मुख्य कारण होता है, मुख्य कारण ये है, अकेली प्रार्थना हम कर रहे हैं उसके, वो तो ठीक है, लेकिन हम उसमें कर क्या रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो गरीब आदमी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे पैसे की तंगी है, पैसा नहीं है। एक मरीज आदमी है, वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु इतनी बीमारियां कहाँ से लग गई, कौन सा कष्ट हो गया, मेरा कष्ट काटो, मैं बीमार हूँ इतना, वो हूँ वो हूँ। तो वो क्या कर रहा है, वो उस समय उसका ध्यान कहाँ है। जरा छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ तो आप और गहराई से इस बात को समझ सकेंगे। देखिए, एक बार कहते हैं भगवान राम से किसी ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। पास में हनुमान जी भी बैठे थे और भी बैठे थे, तो उन्होंने सोचा कि हनुमान का ही नाम लेंगे, क्योंकि हनुमान हर क्षण प्रभु के चरणों में रहते हैं और पूरा ध्यान उनका प्रभु में लगा रहता है। परंतु भगवान राम ने कहा, मेरा सबसे बड़ा भक्त रावण है। सभी इस बात को सुन के चौंके कि रावण प्रभु का भक्त कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा, प्रभु ने जो बात समझाई वो केवल उनके ही लिए नहीं थी बल्कि हमारे लिए थी, हम भी उस बात से समझ लें। तो क्या कारण था कि रावण प्रभु का भक्त था। देखिए, जहाँ हमारा ध्यान होता है, जहाँ हमारा ध्यान होगा उस चीज़ को हम उसका चिंतन कर रहे हैं, हम उसकी भक्ति कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि हनुमान जब कभी क्रोध में होता है, कभी लंका में गया, आग लगा दी, कभी कुछ कर दिया, तो उस समय उसके हृदय में मैं भूल जाता हूँ, लेकिन रावण, रावण के भीतर ऐसी आग लगी हुई है कि वो हर दम चाहे गुस्से में हो, चाहे शांति में हो, चाहे प्रेम में, चाहे कैसी भी हालत में, लेकिन उसके भीतर से मैं निकल ही नहीं पाता, उसका पूरा ध्यान मेरे ऊपर लगा रहता है, जबकि उसकी इंटेंशन ऐसी है कि मुझे रावण, राम को मारना है, राम को हराना है मुझे, लेकिन ध्यान, ध्यान तो राम में ही रहता है, राम के बिना उसका ध्यान कहीं हटता ही नहीं, एक क्षण भी उसका ध्यान नहीं हटता। तो हमारा ध्यान कहाँ रहता, जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो हमारा ध्यान रहता है गरीबी में, पैसे की कमी में, हमारे पास क्या नहीं है। एक मरीज आदमी, एक बीमार आदमी परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है तो उसका ध्यान कहाँ है, उसका ध्यान होता है दर्द के ऊपर, तकलीफ के ऊपर, जो उसकी समस्या होती है उसके ऊपर। लोग इसी चीज़ को नहीं समझ पाते, पूरा ध्यान वो अपनी नकारात्मक चीज़ों के ऊपर लगा के रखते हैं और जुड़े होते हैं उस महाशक्ति के साथ, परमात्मा के साथ, जो तुरंत हर चीज़ को देने वाली है, लेकिन ध्यान अपना नकारात्मक चीज़ों के ऊपर लगा के रखते हैं, जबकि प्रार्थना कैसे होनी चाहिए, ये एक साइंटिफिक चीज़ है कि कैसे प्रार्थना होनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय हम शांति में होते हैं, प्रेम में होते हैं, प्रभु के साथ जुड़े होते हैं, परमात्मा के साथ में हम एक सूत्र में जुड़े होते हैं। उस समय भी हम अपना ध्यान नकारात्मक चीज़ों, जैसे बीमारी, पैसे की कमी,
दर्द, तकलीफ, ये कमी वो कमी, जो रुकी हुई चीजें हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक शब्दों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। हमारा ध्यान उस समय होना चाहिए, एक गरीब आदमी है तो उसे किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। एक गरीब आदमी है, उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी प्रार्थना प्रभु के ऊपर धन्यवाद के लिए अगर हो कि प्रभु आप बहुत दे रहे हैं, आप बहुत दे रहे हैं, या अगर उसे चाहिए प्रभु मुझे आपका दिया हुआ मेरे पास बहुत है, तो उससे क्या होता है कि उसकी फीलिंग एक महसूस कर रहा है वो, और परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो मन भी थोड़ा शांत होगा। आम कम से कम आम हालात में जैसा उसका मन होता है उससे तो थोड़ा शांत ही होगा, और जब हम शांत होते हैं तो हमारी इच्छा जल्दी जल्दी पूरी होती है। तो किस प्रकार से करें, हे प्रभु आपका दिया हुआ मुझे, मेरे पास बहुत कुछ है, आपकी कृपा से ये भी ठीक है, 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 एक टांग बची है प्रभु इसको भी ठीक कर दें। अगर हम परमात्मा से सिर्फ शिकायत कर रहे हैं तो हमारा ध्यान एक नकारात्मक चीज के ऊपर है, हमारा ध्यान एक सकारात्मक के ऊपर नहीं है। उससे क्या होता है, वो हमारे अवचेतन मन में जा रही है। हमारा ध्यान गरीबी पे है, नकारात्मक चीज पे है, पैसे की कमी पे है, वो हमारे अवचेतन मन पे जा रही है। जो हमारे अवचेतन मन के भीतर जाएगा वो जीवन में फलित होने लगता है। यही कारण होता है कि जब हम चाहे प्रार्थना करें चाहे कुछ भी करें वो फलित नहीं होती। उसका यही कारण होता है कि लोगों को आदत पड़ी होती है नकारात्मक, सिर्फ शिकायत के ऊपर ध्यान करने। जो परमात्मा ने दे रखा है उसके ऊपर तो कभी देखते नहीं, कभी सोचते नहीं, पूरा जीवन हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहते हैं। अगर एक दांत टूट जाए तो जीभ बार बार उसी दांत के ऊपर जा जाके टिकती है कि ये कमी रह गई, ये दांत टूट गया। जब तक थे तब तक परमात्मा का कोई धन्यवाद नहीं किया, परमात्मा से कभी जुड़े नहीं, कभी नहीं कुछ, लेकिन एक दांत टूट गया तो हमारा पूरा ध्यान उसी के ऊपर रहता है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास जो है वो अनंत है। आप कभी लिस्ट बना के देखेंगे पूरे जीवन की, तो मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो जो कुछ है वो उसकी लिस्ट आपकी खत्म ही नहीं होगी, और जो कमियां हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 मैक्सिमम इतनी ही होंगी जो कमियां होंगी, और जो है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई कमी नहीं है। अगर हम अपना ध्यान जो है उसके ऊपर लगा के परमात्मा के साथ प्रार्थना से जुड़ें, शिकायत की बजाय अगर धन्यवाद करना सीख लें, तो धन्यवाद में हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है, हमारे भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा का जन्म होता है, हमारे अवचेतन मन में एक सकारात्मक संदेश जाता है। जो संदेश हम अपने अवचेतन मन में, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में देते हैं, वही जीवन में फलित होता है। फिर चाहे आप परमात्मा के साथ कैसे भी भाव में जुड़े हों, अगर आपका ध्यान सकारात्मक के ऊपर है, जो है शुभ के ऊपर है, अच्छे के ऊपर है, पॉजिटिव के ऊपर है, तो अपना पूरा जीवन आप खुशियों से भर रहे हैं। अगर आप परमात्मा के साथ जुड़ के भी शिकायतों की पूरी लिस्ट वहाँ पे उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो ऐसे समय में जब हम प्रार्थना पूर्ण होते हैं, परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं, उस समय मन शांत होने के कारण सब चीज़ें हमारे अवचेतन मन में फटाफट उतरने लगती हैं। जब कोई नित्य प्रति प्रार्थना करता है इस प्रकार से शिकायतों से भरी हुई, तो वो हमारे अवचेतन मन में और तेजी से उतरती है, और जो हमारे अवचेतन मन में उतर जाएगा उसे फलित होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, आप स्वयं भी नहीं रोक सकेंगे। ये कैसा जिन है जिसके भीतर आपने एक बार जो डाल दिया वो आप कभी खत्म नहीं कर सकते। तो हमारा अवचेतन मन, हमारे भीतर परमात्मा है। मेरे कहने का अर्थ कि आप अपना पूरा ध्यान सकारात्मक के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर, धन्यवाद के ऊपर, अगर हम अपने जीवन में धन्यवाद करना सीख लें तो जीवन में कभी कोई कमी नहीं आ सकती, नहीं रह सकती, असंभव है। लेकिन हमारा पूरा ध्यान शिकायतों के ऊपर होता है, चाहे हम परमात्मा से जुड़े हैं, चाहे घर में बैठे हों, चाहे कुछ भी कर रहे हों, तो शिकायतों को छोड़ के आप धन्यवाद के साथ, पॉजिटिव चीज़ों के साथ, जब प्रार्थना भी करें तो सकारात्मक शब्दों के साथ करें। ये देखें आपके पास जो जो है, जो जो परमात्मा ने दिया है उसका तो धन्यवाद कर लें। जो जो परमात्मा ने हमें दिया है उसके उसके लिए तो हम अपने हृदय को धन्यवाद से, प्रेम से, आनंद से कभी भर लें। एक बार आपने इस कला को सीख लिया तो जीवन में कभी दोबारा पीछे वापस लौट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जीवन में चाहिए वो अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनंत अनंत आपके जीवन में आता जाएगा। आशा है आप मेरी बात को समझे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।